प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्यार भरा नमस्कार। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से शद्रक, मेशक और अबेदनगो की कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है दोस्तों, यह उस समय की बात है जब बेबीलोन में राजा नबूकदनेस्सर नाम का राजा राज किया करता था। उस समय राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ ऊंची तथा चौड़ाई 6 हाथ चौड़ी थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के हूरा नामक मैदान में खड़ा करवा दिया। तब राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, खजानचियों, न्यायियों तथा शास्त्रियों और प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वह सब उस मूरत की प्रतिष्ठा में खड़े हो। तब ढिंढोरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा कि हे देश देश और जाति जाति के लोगों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी तथा वीणा की आवाजों को सुनो, तब तुम सब एक साथ गिरकर झुककर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई मूरत को दंडवत करना, और जो कोई उसे दंडवत ना करे वह आग के धधकते भट्टे में डाला जाएगा। इसी कारण उस समय ज्यों ही लोगों को नरसिंगे, बांसुरी व वीणा का शब्द सुनाई पड़ा, तब वह सब देश देश और जाति जाति के लोग उस मूरत को दंडवत करने को और उसके आगे झुक गए। परंतु वहां खड़े 3 यहूदी पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो उस मूरत के सामने नहीं झुके। तब आगे हम देखते हैं दोस्तों, उसी समय कई एक कस्ती पुरुष राजा के सामने उन यहूदियों की कपट से चुगली करने को पहुंच गए तथा उन्होंने राजा से कहा, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे, तूने तो यह आज्ञा दी थी कि जब वीणा व सारंगी का शब्द सुनो तो सभी उस मूरत को गिरकर दंडवत करें, जो नहीं करे वह आग के भट्टे में डाला जाए। तो देख राजा, कुछ यहूदी पुरुष शद्रक, मेशक व अबेदनगो ने तेरी आज्ञा को ना माना तथा उस मूरत को भी दंडवत नहीं किया। तब राजा यह सब सुनकर जलजलाहट तथा क्रोध में आ गया और कहा, उन तीनों पुरुषों को मेरे सामने ले आओ। तब वे तीनों पुरुष राजा के सामने लाए गए। तब राजा ने उनसे पूछा कि क्यों तुमने उस मूरत को दंडवत नहीं किया तथा मेरी आज्ञा को क्यों नहीं माना। तब उन पुरुषों ने राजा को उत्तर दिया कि इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमें उस धधकते हुए आग के भट्टे से बचाने की शक्ति रखता है, और वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु हम कदापि तेरी सोने की खड़ी कराई मूरत को दंडवत नहीं करेंगे। हालेलुया! क्या अद्भुत विश्वास प्रकट किया यहाँ इन तीनों पुरुषों ने दोस्तों अपने सच्चे परमेश्वर पर। ऐसा ही होना चाहिए हमारा भी विश्वास दोस्तों अपने परमेश्वर पर। चाहे कितनी भी संकट या कठिनाइयां क्यों ना आ जाए, हमें विश्वास रखना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमें संकट में से अवश्य छुड़ा लेगा। आगे हम देखते हैं दोस्तों, यह सब सुनकर राजा नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग बदल उठा तथा उसने अपने सैनिकों को यह आज्ञा दी कि वह आग के भट्टे को और अधिक धक्का दें, और उसने अपने बलवान पुरुषों को आज्ञा दी कि वो उन तीनों पुरुषों को उस आग के भट्टे में डाल दें। तब वह पुरुष अपने मोजो, अंगरखों और अन्य वस्त्रों सहित रस्सियों से बांधे गए तथा फिर उस आग के धधकते भट्टे में डाल दिए गए। वे भट्टा तो राजा की आज्ञा के अनुसार अत्यंत धकाया गया था, इसलिए जिन पुरुषों ने उन्हें उठाया था आग में फेंकने के लिए, वे खुद भी उस आग की आंच में जल मरे दोस्तों, और उसी आग के बीच शद्रक, मेशक और अबेदनगो को फेंका गया। तब हम आगे देखते हैं दोस्तों, अचानक राजा नबूकदनेस्सर अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा कि क्या हमने उस आग के बीच में
तीन पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए थे? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, तीन ही थे। तब राजा ने कहा, मैं देखता हूँ कि यह तो तीन नहीं परंतु चार पुरुष दिख रहे हैं, और वो भी आग के बीच खुले टहलते हुए, और चौथे पुरुष का स्वरूप तो ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हालेलुया। जी हाँ दोस्तों, जब शद्रक, मेशक व अबेदनगो को बांधकर आग के भट्टे में डाला गया तो उन्होंने वहां भी अपने परमेश्वर को सहायता के लिए पुकारा तथा उसकी पुकार सुनकर परमेश्वर उनके बीच उतर आए तथा उनकी सभी रस्सियां जिससे वे बांधे गए थे जल गई और उनके हाथ और पांव खुल गए और वह टहलने लगे तथा उनकी कोई भी हानि नहीं हुई। प्रेस गॉड। जी हाँ दोस्तों, हमें यहाँ एक बात सीखनी व समझनी होगी। जब हम किसी संकट या विपत्ति के समय अपने सच्चे परमेश्वर को संपूर्ण मन से समर्पण करके पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारी उस विपत्ति में खुद उतरकर हमारी रक्षा करता है दोस्तों, तथा हमारे सभी सांसारिक बंधनों व उलझनों को खोल डालता है। इसीलिए हमें भी अपने परमेश्वर पर विश्वास योग्यता रखनी चाहिए तथा केवल उसे ही संकटों में पुकारना भी चाहिए प्रार्थनाओं के द्वारा, जैसा उस समय उन पुरुषों ने भी किया। तब हम आगे देखते हैं कि राजा ने उन पुरुषों को वहां पुकारा तथा कहा, हे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासो, निकलकर बाहर आओ। तब वह तीनों पुरुष आग से निकलकर बाहर आए। तब वहां खड़े सभी जातियों के लोगों ने उन्हें देखा कि आग के कारण ना तो उनके सिर का एक बाल भी झुलसा और ना ही उनके मोजे ना ही उनके वस्त्र जले। यह देखकर राजा ने बोला, धन्य है शद्रक, मेशक, अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को बचाया, क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और अपना शरीर भी तुझी को अर्पण कर दिया। इसीलिए राजा ने फिर यह आज्ञा दी कि अब से जाति जाति के सभी लोग शद्रक, मेशक व अबेदनगो के परमेश्वर की कोई निंदा नहीं करेंगे वरन उसी की उपासना करेंगे। और फिर राजा ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद भी ऊंचा किया। हालेलुया। इसी प्रकार दोस्तों, हमारे सामने भी कई बार ऐसी चुनौती आती होगी कि हम भी अपने जीवित परमेश्वर को छोड़कर संसार के अन्य देवी देवताओं को दंडवत करें, परंतु दोस्तों हमें यह समझना होगा कि सत्य केवल परमेश्वर ही है, उसे छोड़ कोई और नहीं। हमें भी अपने परमेश्वर को छोड़कर किसी भी अन्य सांसारिक रीति व प्रथा को दंडवत नहीं करना चाहिए और उस समय केवल अपने परमेश्वर को संपूर्ण मन से प्रार्थना के साथ तथा दृढ़ विश्वास के साथ पुकारना चाहिए। फिर हमारा परमेश्वर भी अपनी शक्ति व सामर्थ्य से हमें हर कठिन परिस्थिति में से छुड़ाता है तथा हमारे दुश्मनों के सामने हमारे लिए मेज भी बिछाता है, जैसा बाइबल के भजन संहिता के 23वें अध्याय के 5वें वचन में लिखा भी है कि वह मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। जैसा कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो का इस आश्चर्य कर्म के बाद पद भी ऊंचा किया गया तथा उनके द्वारा उनके परमेश्वर की महिमा हुई, ऐसा है हमारा परमेश्वर दोस्तों। वह हमें आग के भट्टे से भी जिंदा बाहर निकाल सकता है। हालेलुया। आशा करती हूँ यह संक्षिप्त विवरण आप सभी को अच्छा लगा होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। आप इसे दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।